हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की अभी तो फिलहाल काउंसलिंग रुकी हुई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से। 26 को इसकी हेयरिंग है, उसके बाद से ये काउंसलिंग रिज्यूम हो जाएंगी। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी। जो मेन पार्ट है आपकी चॉइस फिलिंग, आप करते हो सीट्स देख के कि अब नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो जो यूपी की जो वेकेंट सीट्स हैं सेकेंड राउंड के लिए, उसकी लिस्ट आ चुकी है यूपी की वेबसाइट के ऊपर। इसमें अभी जो सेकंड लिस्ट में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आई हैं, डेट इज 280 सीट्स, 280 सीटें आई हैं। फर्स्ट राउंड में जब काउंसलिंग हुई थी उस टाइम 17 कॉलेज में टोटल 2250 सीटें थी, अब सेकंड राउंड में सिर्फ 280 सीटें आई हैं, यानी कि 90% सीट्स फर्स्ट राउंड में फिल हो गई और सिर्फ 10% रिमेनिंग सीट्स के लिए सेकेंड राउंड का काउंसलिंग होगा यूपी में। इन 280 सीट्स में भी 77 सीट्स जो हैं वो आपकी माइनॉरिटी बेस सीट्स हैं, जिसमें आपके 3 सीटें कैरियर मेडिकल कॉलेज लखनऊ, 5 सीट्स पैरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ, टोटल 8 सीटें मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए हैं, और 69 सीट्स जो कि तीर्थांकर महावीर मेडिकल यूनिवर्सिटी है मुरादाबाद में, 69 सीट्स जैन माइनॉरिटी के लिए। बाकी अगर आप देखते हो तो 203 सीटें जो हैं वो बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए हैं बाकी के कॉलेजेस में। इसमें देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स बची हैं। अभी आपका कैरियर मेडिकल कॉलेज लखनऊ में 12 सीटें हैं, एरा में 16 सीटें हैं, तीर्थांकर में 12 सीट हैं, एंड आपका मुजफ्फरनगर में 6 सीट्स हैं, रोहिलखंड में 8 सीट्स हैं, रामा कानपुर में 6 सीटें हैं, सरस्वती हापुर में 7 सीटें हैं, इन बाराबंकी में 6 सीटें हैं, शारदा मेडिकल नोएडा में 10 सीटें हैं, सुभारती मेडिकल कॉलेज में 39 सीट्स हैं, राजश्री में 10 सीट्स हैं, हेरिटेज बनारस में सिर्फ 1 सीट है, टीएस मिश्रा लखनऊ में 27 सीट्स हैं, और एमएसवाई मेडिकल कॉलेज मेरठ में टोटल आपकी 8 सीट्स हैं। अब ये देख लेते हैं कि कैसे किस स्टूडेंट को क्या मिलने की प्रोबेबिलिटी बनती है। बेसिकली 3 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे जो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। एक वो स्टूडेंट्स होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनको ऑलरेडी सीट्स मिल चुकी है, जो कि अपग्रेड किए जाएंगे। दूसरी वो कैटेगरी होगी जिन्होंने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की थी बट उनको कॉलेज नहीं मिल पाया, इसलिए वो दोबारा से रिट्राई करेंगे। और थर्ड स्टूडेंट्स वो होंगे जिन्होंने फ्रेश एंट्री करी है, जिन्होंने सेकेंड राउंड में ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और अब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के चॉइस फिलिंग करेंगे। ये 3 टाइप की कैटेगरीज होंगे, 3 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे जो इसमें आपके लिए अप्लाई करेंगे। अब बेसिकली मेन आता है कि स्कोर कितना होना चाहिए। फर्स्ट राउंड में जैसे कि स्कोर काफ़ी नीचे तक बॉटम तक टच किया था, 200 जैसा बोला था, उससे भी नीचे गया था, उसका रीज़न ये था कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी आपकी 2250। अब सीटें हो गई हमारी 200 के आसपास, 207 सीटें हो गई जनरल के लिए। तो सीधा सा सिंपल सा फंडा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ सीट कितनी है, उस हिसाब से आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। तो जो प्रोबेबिलिटी निकलती है तो अब दिखाई दे रहा है कि साफ साफ जिसका स्कोर 200, 250, 220 का है उस पर चांस मिलने की बहुत कम चांसेस हैं। 300 एक मिनिमम नंबर होना चाहिए यहाँ पे, 350, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 450, 470 ऐसे कट ऑफ जानी चाहिए, 400 से प्लस। और बॉटम साइड में हम अगर लेते हैं तो 310, 320 एक सेटिस्फैक्ट्री लैंडिंग होगी स्कोर्स के लिए, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ सीट्स अब कम हो गई है। और जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ रही है सारे स्टेट्स में सेकेंड राउंड की काउंसलिंग खत्म हो रही है तो सीट्स कम होती जा रही हैं। जो बच्चे सीट्स नहीं ले पाए अभी तक, वो सही एक्यूरेट डिसीजन लेने की वजह से नहीं ले पाए। अगर आप देखते हो तो अभी जो डीन की भी काउंसलिंग रिज्यूम होगी तो वो सेकेंड राउंड का रिजल्ट देगा, तो नंबर ऑफ सीट्स कम होती जा रही है टाइम के साथ, तो कट ऑफ भी ऑब्वियसली बात है ऊपर जाना चाहिए, जो कि जाएगा ही ऊपर कट ऑफ। इसमें जो 2-3 कॉलेज है जैसे एरा मेडिकल कॉलेज है, तीर्थांकर मेडिकल कॉलेज है, इसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा थी, 90 लाख से अबव थी, तो इसमें थोड़ा सा बॉटम साइड वाले बच्चे सेट हो सकते हैं जिनका स्कोर 300, 320, 330 है। बाकी जिन कॉलेज की फीस कम है जैसे MSY की फीस कम है, हेरिटेज की ओके है फीस, रामा की फीस ओके है, मुजफ्फरनगर की फीस ओके है, इसमें 400 लाइक 380, 370, 410 ये स्कोर इसमें सेट होना चाहिए। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स आप अपनी यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कर सकते हो इस डाटा के बिहाफ पे फ्रेंड्स। एंड 26 को हेयरिंग है, हेयरिंग आने के बाद ही आपका यूपी का काउंसलिंग दोबारा से रिज्यूम हो जाएगा। वेबसाइट को लगातार आप विजिट करते रहो,
हो सकता हो कि उससे पहले भी हो, तो हम भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप भी इसमें अपडेटेड हो। आज के लिए फ्रेंड इतना ही, आगे मिलते हैं अच्छी जानकारी के लिए। अगर आपको चैनल पसंद आया है ACS का, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिसके ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरत की हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग ACS।